हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन स्मोटर में। तो आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो वॉक्सवैगन की पोलो है। और गाड़ी के अंदर जो दिक्कत है वो इस कूलेंट की बोतल में इंजन ऑयल आ रहा है, ये जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अंदर बोतल के अंदर इंजन ऑयल आ रहा है। तकरीबन डीजल गाड़ी की जितनी भी होती है कभी ना कभी ये दिक्कत आती है गाड़ियों के अंदर, डीजल गाड़ियों के अंदर ख़ास करके। तो हमने इसका ऑयल कूलर खोल लिया है। ऑयल कूलर में दिक्कत थी, ये पानी का सुराख होता है, ये ऑयल के होते हैं। तो ये जो पानी वाला सुराख होता है, इस ये कटने की वजह से इधर से ऑयल का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑयल पानी वाले में आ जाता है, जिसकी वजह से पानी पानी में ऑयल मिक्स होने लगता है, बोतल की तरफ से निकलने लगता है, सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है, ओवर हो जाती है गाड़ी। तो ये सब इसका रेटर वगैरह सामान है। तो भैया, गाड़ी हमारे पास काफ़ी दूर से खींच के आई है। गाड़ी के अंदर जो दिक्कत किसी ने बताई थी वो हेड की बताई थी कि इसके हेड में दिक्कत है, इसका हेड खुलेगा, हेड की कोई लाइन ब्लॉक हो गई या गैस्केट वगैरह कुछ बताया था उसने। तो हमने इसका ऑयल कूलर खोला है, ऑयल कूलर के अंदर ही ये दिक्कत थी इसकी। ऑयल कूलर हमने इसका खोल लिया है और ऑयल कूलर हम इसका चेंज करेंगे। बाकी रिपेयर भी हो जाता है ऑयल कूलर, लेकिन हम इसका ऑयल कूलर चेंज करेंगे। रिपेयर करने की भी वीडियो मैं आपको दूंगा। इतनी चली हुई 60,000 कुछ चली हुई है गाड़ी, वॉक्सवैगन की पोलो ये गाड़ी है। तो इस तरीके से खोल लो, कभी भी गैस वैस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा है काफ़ी गैरेजों में तो उसकी गैस वैस सब निकाल देते हैं, एसी की गैस। तो एसी की गैस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरीके से खोल लो, खुल जाता है आसानी के साथ। तो इसका हमने ऑयल कूलर बाहर निकाल दिया और इसे रिपेयर करने की वीडियो मैं आपको दूंगा, रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए, गाड़ी की काफ़ी हालत ख़राब है, ऑयल लीकेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसका हमने नया ऑयल कूलर मंगा लिया है, ये इसका नया ऑयल कूलर है ओरिजिनल वॉक्सवैगन का, ये ओरिजिनल ऑयल कूलर है। तो ये गाड़ी हमने फिटिंग कर दी हमने इसमें कंप्लीट है, और ये स्टार्ट है गाड़ी हमने कंप्लीट कर दिया, देख सकते हैं आप। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है गाड़ी करने में, तो थोड़ा बहुत ऑयल उसमें आता है कपल करने, तो उसके लिए हम धीरे धीरे इसका पानी निकालते रहेंगे और डालते रहेंगे, उसकी वजह से वो सब क्लीन हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब